फ्रेशी है, द स्नूकर जिम के ट्रेनिंग रूम में हम दोबारा से मौजूद हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने आपको गेमिंग के हवाले से भी बताया, आपको प्रैक्टिस बताई कि जब आप एक जो बिगिनर्स हैं जो 30 तक के ब्रेक के बैरियर को नहीं तोड़ पा रहे, वो ब्लैक के ऊपर कौन सी प्रैक्टिस करें जिससे वो ब्लैक पे फ्लुएंट हो जाएं, पिंक के ऊपर कौन सी प्रैक्टिस करें जिससे वो फ्लुएंट हो जाएं, ब्लू पे कौन सी प्रैक्टिस की जाए वो भी फ्लुएंट हो जाए। तो सारी वीडियोज़ जो हैं आपके पास गैदर हो रही हैं। इसी तरीके से मैंने आपसे कहा था कि कलर बॉल्स रखने से, रेड बॉल्स ऐड करने से पहले अपनी ब्रेक में आपने सबसे पहले जो है अपने कलर बॉल्स के ऊपर फ्लुएंसी आपकी कंफर्म होनी चाहिए, उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़ेंगे। तो आज मैं आपको येलो, ग्रीन और ब्राउन जो के बॉल कलर हैं और ये लीस्ट प्रैक्टिस्ड कलर हैं हमारे जो प्लेयर्स होते हैं। पहले मैं तारुफ करा दूँ कि मोहम्मद अली हैं हमारे TSG के स्टूडेंट हैं, उसके अलावा इधर आइएगा आप भी हमारे मोहम्मद अब्बास हैं, उसके अलावा हमारे पास अली हैदर हैं, वो हमारे आप भी इधर आए अली, ये हमारे TSG की टीम है। तो आज आपको मैं ये बताऊंगा कि हमारे ये जो कलर्स हैं इनके ऊपर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप पहले रेड्स तक पहुंचने के लिए, क्योंकि पूरा टेबल पे कहीं पर भी वाइट बॉल आपको मिल सकता है, कहीं पर भी आपके पास बॉल आउट करने के लिए आ सकता है। तो अगर जो तो आप कॉन्फिडेंट हैं कलर बॉल्स के ऊपर, तब आपके लिए प्रॉब्लम कम से कम होगी और आप अपने बैरियर्स को तोड़ सकेंगे। तो येलो, ग्रीन, ब्राउन के ऊपर मैं एक बड़ी सिंपल सी आपको प्रैक्टिस बताने लगा हूँ और अब बड़ी जॉयफुल भी है एक्चुअली ये प्रैक्टिस, इसमें आप इंजॉय करेंगे जो मैं आपको अभी बताऊंगा। और आपने ये प्रैक्टिस कोशिश करनी है, जरूर करें, दो दोस्त मिलके करें तो ज्यादा अच्छा है, दो प्लेयर्स मिलके करें वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें बार बार आपको रेड्स वापस लगाने पड़ेंगे। हमारे यहाँ पैरी है वो हेल्प करेंगे, या लेकिन अगर आप दो प्लेयर्स होंगे मिलकर तो एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। अब आपने करना यह है कि आपके पास येलो ग्रीन और ब्राउन मौजूद है और वाइट बॉल आप अपनी मर्जी से प्लेस कर लें, और उसके बाद कोशिश करें कि कहीं से भी बॉल रख के 100 स्कोर करने की कोशिश करें और काउंट करते जाए, ब्राउन 4, ग्रीन 3, 7, फिर आप 2 डालें, 9, इस तरीके से ऐड करते जाएं। और हम ब्रेक अपनी कोशिश करेंगे कि वाइट बॉल को साथ साथ कंट्रोल करते रहें, अपने स्टन, अपने स्क्रू, अपनी बाकी तमाम एक्सपर्टीज को यूज करते हुए। लेकिन उससे फायदा ये हो रहा होगा कि इस 100 के साथ साथ हमारी जो क्यूइंग है, हमारी जो एमिंग है, वो हम जज करते रहेंगे कि कितना अच्छा है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें 2-4 शॉट्स खेल के गाइडेंस देता हूँ, उसके बाद फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि हमारे स्टूडेंट्स में से कोई आए और वो इसको परफॉर्म करे थोड़ा बहुत आपको आइडिया देने के लिए, और इसको मजीद इजी कैसे किया जा सकता है, तो वो भी मैं आपको अभी गाइड करूंगा। तो अली आपने प्लीज बॉल लगाना है हमारे, मैं ब्राउन से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, ग्रीन से भी, येलो से भी, मेरी अपनी मर्जी है, आपकी भी अपनी डिस्क्रिप्शन है, कोई ऐसा हार्ड फास्ट रूल नहीं है। मैं येलो से स्टार्ट करता हूँ और काउंट करें जी, 2, 2, 2 दो हो गए स्कोर, उसके बाद फिर आपने आराम से फैदरिंग की, 6। अब मेरे पास ग्रीन भी आ गया है, येलो भी आ गया है, ये आपने खुद जज करना है कि कौन सा ऐसा शॉट है इन दोनों में से जिसको मैं खेलूंगा और मेरा वाइट बॉल कम से कम ट्रेवल करेगा। तो मैंने ग्रीन देखा, उसके बाद येलो देखा, ग्रीन से चांस है कि मेरा वाइट बॉल थोड़ा सा कुशन के करीब आ सकता है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि मैं उसको उधर ही स्क्रू करके, ये चूंकि स्ट्रेटिश बॉल है तो इसमें स्क्रू सिंपल करना है, तो बॉल कुशन से दूर आ रहा होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक टिप समझते हैं इसको, कि आपने जब प्रैक्टिस करनी है तो मेक श्योर करना है कि उस बॉल को चूज करें अगर आपके पास ऑप्शन है कि जो आपको कुशन से दूर रखे आपके वाइट बॉल को, क्योंकि कुशन में डेफिनेटली बॉल आ जाए तो जितने भी एक्सपर्ट हों थोड़ी सी मुश्किल हो ही जाती है आपके लिए। 8 इसी तरह आप अगर दो दोस्त होंगे तो बारी बारी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आपने जज करना है कि कौन सा बॉल बेटर है, ग्रीन दोबारा भी डाल सकते हैं आप, ब्राउन भी दोबारा डाल सकते हैं, येलो भी डाल सकते हैं, तीनों बॉल्स हैं, लेकिन फिर मैंने देखना है कि कौन सा इजी बॉल है, अपने आप को इजी रखना है आप लोगों ने। अभी आप लोगों ने भी दोनों ने प्रैक्टिस जो करनी है उसमें थोड़ा सा कोशिश करना है अपने आप को इजी रखें आप। फिर मैं ग्रीन डाल सकता हूँ, लेकिन मैं देखूंगा ब्राउन अगर अच्छा है
जस्ट फॉर फन में अपने आप को थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता टफ टाइम दें। जैसे जैसे आप टफ टाइम देते जाएंगे, जैसे जैसे बेहतर होते जाएंगे, आप फील करेंगे आप बेहतर तरीके से अपनी गेम खेलते जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं इसे कंटिन्यू कर सकता हूँ। आपने देखा ग्रीन पे परफेक्ट आया हुआ है, मैं इसको दोबारा से हिट कर सकता हूँ। तो मैं आपने हाँ, जब आप थोड़े से एडवांस हो जाएं तो कोशिश करेंगे एक कलर को एक दफा ही आपने अटेम्प्ट करना है। मतलब ये आपकी अपनी डिस्क्रिशन है, आपके अपने लेवल पे जज करता है कि आप क्या कर सकते हैं। तो आप इस पे कोशिश करें, देखें आई एम इन गुड पोजीशन अगेन। कोशिश करें कि 100 का पहले टारगेट अचीव करें, फिर 200 के टारगेट के ऊपर जाएं। इसी प्रैक्टिस में 200 जब आप कर लें तो उस वक्त तक आप काफी हद तक फ्लुएंट हो चुके होंगे। आपने देखा होगा कि मैंने कुशन को फिर अवॉइड किया है। स्नूकर की ब्रेक बिल्डिंग में ये बहुत अहम एलिमेंट है कि आप कुशन को कोशिश करें कि अवॉइड करना शुरू करें। तो इस प्रैक्टिस में मेरा ख्याल है आप मोहम्मद अली को हम ऑप्शन देते हैं कि आप इसको करेंगे। हमारे जूनियर प्लेयर हैं, इनको मैं थोड़ा सा, जो मैंने आपसे कहा था आपके लिए थोड़ा सा मजीद इजी करूंगा कि अगर आप समझते हैं कि आपका स्टैंडर्ड थोड़ा सा कम है तो आप ग्रीन और ब्राउन, ब्लैक और पिंक रख सकते हैं दरमियान में। आपके लिए बॉल्स तकरीबन 3-5 बॉल्स आपके ऐड हो जाएंगे और हम इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और रैंडमली बॉल्स को पॉट करते जाए। स्टार्ट करें, आपकी मर्जी है, देखते हैं हम ये कितने स्कोर कर सकते हैं। स्कोर काउंट कीजिएगा प्लीज। 4 गुड शॉट। गुड शॉट। ये देखा हमने थोड़ा सा फास्ट टू कर लिया और बॉल कुशन के करीब है। अभी भी इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया कलर बॉल्स में, अगर जो आप को जज हो रहा हो कैमरे से। दैट्स अ गुड शॉट। 20। क्योंकि लेफ्ट हैंडेड प्लेयर है इसलिए इनको मैं राइट हैंडेड होते तो ग्रीन इजी होता है, यहाँ से इनको थोड़ा सा लेफ्ट हैंड जो है येलो लेफ्ट हैंडेड प्लेयर्स के लिए वो साइड हेल्प करती है और इसमें अपोजिट होती है। इस चीज को भी आप ज़हन में रखना, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। 22। और यहाँ पे थोड़ा ज्यादा तेज खेल दिया इन्होंने, फोर्स ज्यादा लगी क्योंकि थोड़े से स्ट्रेच थे इसलिए फोर्स उनकी ज्यादा एड हो गई, जिसकी वजह से वाइड बॉल का डिस्टेंस ज्यादा बढ़ गया। तो इस चीज़ को, इन सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आपने कंट्रोल में रखना है। लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड प्लेयर के हवाले से भी मैं आपको एक लेक्चर दूंगा, छोटा सा एक वीडियो बना के, कि वो किस तरीके से अपनी पोजीशंस को बेहतर कर सकते हैं। अब उन्होंने एक रिकवरी खेली है, उस रिकवरी को रिकवर करने के लिए फिर दूसरी रिकवरी खेलेंगे और देखते हैं कितनी शॉट्स में ये दोबारा से उसमें आ सकते हैं या बीच में बॉल मिस करेंगे। लेट्स सी, बट ही इज डूइंग गुड। ये मेरा पहला इनसे बॉल मिस हो गया। कितनी ब्रेक बनाई? 25। तो 25 की ब्रेक के ऊपर इन्होंने ये अपना चांस मिस करते हैं। अब हम कोशिश करते हैं कि मोहम्मद अब्बास को मौका दें कि ये कितनी ब्रेक बना सकते हैं और ये टारगेट कैसे अचीव कर सकते हैं। इनके लिए भी मैंने पिंक और ब्लैक उसी तरीके से रहने दिए और आप भी मोहम्मद रिलैक्स होके जितने स्कोर नॉक इन कर सकें आप कर सकते हैं। उसी तरीके से शॉर्ट्स, टर्न शॉर्ट्स, क्रूज खेलने, अपनी क्यूइंग को पूरा करना है। 6। थोड़ा सा बैक स्विंग को कंप्लीट करके फिर शॉट मारें, ठीक है? चलो। 9। कलर्स की कॉम्बिनेशंस में भी हम आगे जाते जाएंगे कि हम ब्राउन और ब्लू के कॉम्बिनेशन में किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और क्योंकि फ्रेम शॉट बहुत की शॉट होती है जिसमें 6 कलर्स 6 पॉट्स के बाद आपको 27 स्कोर मिल रहा होता है। तो इन्होंने थोड़ा सा जल्दी खेल के मिस कर दिया, एक और थोड़ी सी ट्राई देते हैं इनको। तो यहाँ तक आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं आपको जो कलर प्रैक्टिस या बॉल प्लानिंग के ऊपर जो कलर्स हैं उसके हवाले से
कैसे आपको मैं हम गाइडेंस देना चाह रहे हैं, तो आप इस पे कंटिन्यू रखें। कोई सवालात हो आप हमें ज़रूर बताएं, हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, और उसके अलावा जो है अपनी वीडियोस हमें ज़रूर भेजें। अगर ये प्रैक्टिस भी कर रहे हैं वीडियो ज़रूर भेजें, मैं ज़रूर उसको शेयर करूँगा, एनालिसिस करेंगे उस वीडियो का अपने यूट्यूब पे कमेंट्स के साथ। मैं कोशिश करूँगा उसको ऐड करूँ कैमरे के साथ, आपके दोस्त बना सकते हैं, थोड़ी क्वालिटी बेहतर रखिएगा। और लेकिन आपने प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू रखनी है, वो अली बन गया तो आपने प्रैक्टिस इसकी जारी रखनी है। जो सवालात इस प्रैक्टिस के हवाले से हों, थोड़े से जब आप एडवांस हो जाएं तो फिर बेशक आप पिंक और ब्लैक हटा दें और फिर आप 100 करें। अल्टीमेट आपका गोल ये होना चाहिए कि येलो ग्रीन और ब्राउन के ऊपर आपने 200 या 300 का टारगेट अचीव करें, 500 तक भी जा सकते हैं। देखें ये एक प्लेयर के ऊपर होता है कि वो अपने आप को कितना चैलेंज देना चाहता है। अगर जो आप चैलेंजिंग प्लेयर हैं ना, तो सबसे पहले अपने आप को चैलेंज देना शुरू करें। डेडिकेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी प्लेयर के लिए, इसके ऊपर फिर हम बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच आप हमारे इस पे आए, और अपने हमारे अगेन मैं दोबारा से कहूँगा कि हमारे शेयर करते रहें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पेज को, और अपने कॉमेंट्स अपने वीडियोज में जरूर भेजें। तो अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। चलें जी मोहम्मद।